नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कर्नाटक से, जहां पर दोस्तों जर्मन एरोस्पेस सप्लायर बाइकर एरोस्पेस के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में उनका एक एडवांस एरोस्पेस सेंटर सेटअप करेंगे और कर्नाटक के बेलगावी में बनकर तैयार होगा। दोस्तों जर्मनी बेस्ड ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट आप कह सकते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनी है। इनका काफ़ी लंबे समय से ये प्लान था कि वो कर्नाटक में इन्वेस्ट करेंगे और अब इन्होंने बेलगावी में जो एरोस्पेस क्लस्टर है जिसको एकस इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा डेवलप किया गया है उसे इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट किया है। एकस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेलगावी एरोस्पेस क्लस्टर हमारे इसका पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर्टिफाइड एरोस्पेस क्लस्टर है जो काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रो हो रहा है। और अब इस कंपनी द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसी क्लस्टर में इनके द्वारा एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, सुपर एलॉयज और एरोस्पेस से जुड़े दूसरे मटेरियल्स हैं उनके सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और स्टोरेज दोनों के ऊपर काम किया जाएगा। हालांकि उसको कोई डेट तो अनाउंस नहीं की गई है कि कब तक इनका सेंटर बनकर तैयार होगा, पर फोर श्योर एक डेढ़ साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हैदराबाद मेट्रो से, जहां पर दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा हैदराबाद मेट्रो का एक्सपेंशन अनाउंस कर दिया गया है और इसके चलते हैदराबाद के और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कवर हो पाएंगे। दोस्तों दो और फेजेस में इसका एक्सपेंशन किया जाना है। फेज वन में हाईटेक सिटी से एयरपोर्ट तक एक्सपेंशन होगा, जबकि फेज टू से एयरपोर्ट से कंदुकुर तक एक्सपेंशन होगा। और इसे हैदराबाद की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से कन्फ्यूज मत कीजिएगा, उसका कंस्ट्रक्शन अभी जब स्टार्ट ही हुआ है और वो काफ़ी लंबे समय से प्लान थी, जबकि अभी ये दोनों के दोनों फेजेस हैं इनके ऊपर DPR का काम चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट ये अनाउंसमेंट ही की गई है, ये कोई डेट नहीं दी गई है कि कब तक इनके ऊपर काम स्टार्ट होगा, तो देखते हैं कि कब तक इनके ऊपर काम स्टार्ट हो पाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नवी मुंबई मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों नवी मुंबई मेट्रो के ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए सिडको को हमारे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा फाइनल अप्रूवल दे दी गई है। अब इसके लिए आप कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय के गैप के बाद नवी मुंबई की लाइन वन ऑपरेशनल हो पाएगी। दोस्तों नवी मुंबई मेट्रो हमारे देश की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो प्रोजेक्ट है। लास्ट 10-12 सालों से इसके ऊपर काम चल रहा है और अब जाकर जस्ट इसकी एक लाइन बनकर तैयार हुई है। लाइन वन बेलापुर से पेंधर के बीच में बन रही थी, 11.1 किलोमीटर की इसकी लेंथ थी। इससे पहले दोस्तों 2021 में भी हमारे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा सेंट्रल पार्क से पेंधर स्टेशन के बीच में जो छोटी स्ट्रेच है जिसके बीच ऑलमोस्ट 5 स्टेशन से उनको अप्रूवल दे दी गई थी, पर क्योंकि अब रिमेनिंग स्ट्रेच को भी अप्रूवल दे दी गई है तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि नवी मुंबई मेट्रो की लाइन वन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो पाएगी और अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर, मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई सबर्बन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों मुंबई सबर्बन को और फास्ट बनाने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब सबर्बन ट्रैक्स पर वंदे मेट्रो को ऑपरेट किया जाएगा और इनके प्रोक्योरमेंट को लेकर टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। दोस्तों मुंबई सबर्बन के बारे में आप जानती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड सिस्टम है, वंदे मेट्रो अब इसको थोड़ा सा डीकंजेस्ट करेगी क्योंकि वंदे मेट्रो को भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। 2,856 कोचेस प्रोक्योर किए जाएंगे, यानी कि अराउंड 238 वंदे मेट्रो रेक्स को प्रोक्योर किया जाएगा और ये जितनी भी ट्रेन्स होगी इनको ट्रैफिक के अकॉर्डिंग 12 कोच और 15 कोच वाले ट्रेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो कि मुंबई का एक ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसी के अंतर्गत इसको अप्रूवल दी गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारी रेलवे के द्वारा तो इसको मई में ही अप्रूवल दे दी गई थी और अब इसको लेकर टेंडर भी इन्वाइट कर दिए गए हैं। सितंबर तक किसी को इसका टेंडर दे दिया जाएगा, 2026 से इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी और अगले 4 सालों के अंदर अंदर यानी कि 2030 तक ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि दोस्तों बिड्स तो इंटरनेशनल लेवल की इनवाइट की गई हैं, पर जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को या फिर कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है उसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत सभी कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करनी होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू एरोस्पेस पार्क से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु के द्वारा 125 एकड़स ऑफ लैंड एक एरोस्पेस पार्क को लेकर अनमा कर ली गई है और तमिलनाडु के ट्रिची में बनकर तैयार होगा। दोस्तों ट्रिची में भी स्पेसिफिकली मन्नापरे इंडस्ट्रियल पार्क में इसको बनाया जाना है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि तमिलनाडु में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है ट्रिची उसका एक पार्ट है और ये एरोस्पेस पार्क भी उसी डिफेंस कॉरिडोर का एक पार्ट होगा। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि टिडको को इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी चुना गया है। इस एरोस्पेस पार्क के अलावा इस मन्नापरे इंडस्ट्रियल पार्क में फूड इंडस्ट्री और ईव इंडस्ट्री दोनों की स्टेबलिशमेंट को लेकर भी काम स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट 131 एकड़स ऑफ लैंड उसके लिए अलॉट भी कर दी गई है और इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है और अब एरोस्पेस पार्क को लेकर भी जो इस्टेब्लिशमेंट का काम है वो स्टार्ट होगा। आज के दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है यूपी से, जहां पर दोस्तों यूपी स्टेट ने भी हमारे देश की जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके साथ मिलकर एक्सपोर्ट रेस को ज्वाइन कर लिया है और लास्ट 6 सालों के अंदर अंदर ये देखा गया है कि यूपी स्टेट के एक्सपोर्ट्स 2 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं। दोस्तों यूपी स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के द्वारा एक डेटा सामने रखा गया है
जिसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में यूपी के एक्सपोर्ट्स 84,000 करोड़ रुपीज़ के थे और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये बढ़कर 1,74,000 करोड़ रुपीज़ के ऊपर पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ में देखने को मिला है। इस फाइनेंशियल ईयर में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 2,00,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया गया है। यूएस, यूएई, नेपाल, यूके, जर्मनी, वियतनाम, नेदरलैंड्स, फ्रांस, चाइना और इजिप्ट, ये टॉप 10 ऐसी कंट्रीज हैं जो यूपी के एक्सपोर्ट्स में अराउंड 60% का कंट्रीब्यूशन करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इन 10 स्टेट्स को किए गए हैं। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, मैनमेड फाइबर, लेदर फुटवियर, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स, सिल्क, हैंडमेड कारपेट्स, मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स, राइस, व्हीट, शुगर, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ चढ़ कर किया गया है और इसी के चलते एक्सपोर्ट डबल होते देखने को मिले हैं। दोस्तों, इस डेटा के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में यूपी स्टेट के एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और बहुत ही लाभ देखेंगे कि हमारे देश की जो टॉप 5 एक्सपोर्ट्स करने वाली स्टेट्स हैं उनमें यूपी का नाम भी शामिल होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए।